यह उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। घंटे 13 मिनट भाषण किया, उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, और अगर आपने देखा होगा कल तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो मैंने मणिपुर में देखा और सुना वो मैंने कभी पहले नहीं सुना। मेटे एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेथी आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए हमें मेथीज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट हैं। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। In my entire career, I have never been told anywhere I have been in India that if you take this person as a security officer with you, we will put a bullet in his head. I have never heard it. And I heard it twice in Manipur. That means there is no dialogue in Manipur. There is pure violence taking place in Manipur. The Prime Minister refuses to stop the fire. He wants Manipur to burn. He allows Manipur to burn. Because if he did want it to stop, there are tools in the hands of the Indian government that can stop it immediately. I know. I have full faith in our army. I know. And every Indian citizen knows that if the Indian army is told, please put an end to this, it will stop immediately.
for the first time the words Bharat Mata have been expunged from the parliament. It's an insult to those words. नहीं, भाषण हिंदुस्तान के बारे में नहीं था, भाषण नरेंद्र मोदी जी के बारे में था. वो अपनी राय, अपनी राजनीति, अपने एम्बिशंस वो आपको दे रहे थे. सवाल ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं. सवाल ये है कि मणिपुर जल रहा है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं. सवाल ये है, मगर मुझे अपना काम करना है, मैं अपने काम को करता हूं. जहां भी भारत माता पर आक्रमण होगा वहां मैं आपको खड़ा मिलूंगा, भारत माता की रक्षा करते हुए. If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.